अब इस वीडियो में देखेंगे एनाटॉमी ऑफ स्पेसेस ऑफ द फेरिंग्स के फेरिंग्स में कौन कौन से स्पेसेस होते हैं वो उसके पहले सबसे पहले फेरिंग्स में फेशियास कौन कौन से होते हैं तो अगर एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली देखें एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली सबसे पहला होता है वो होता है फेरिंगो बेसिलर फेशिया उसके बाद आता है मसल लेयर जहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल सर्कुलर मसल्स वो सब प्रेजेंट होता है उसके बाद आता है बक्को फेरिंजियल फेशिया यहाँ मसल क्लियर के पीछे कौन से फेशिया होता है उसका एक निमोनिक है बी ए पी बाप ओके सबसे पहला हो गया बक्को फेरिंजियल फेशिया उसके बाद हो गया एलर फेशिया और लास्ट में है वो पी से प्रीवर्टिब्रल फेशिया ये सारे फेशियाज हो गए सबसे पहले फेरिंगो बेसिलर फेशिया उसके बाद मसल लेयर आता है उसके पीछे बक्को फेरिंजियल फिर एलर और फिर प्रीवर्टिब्रल फेशिया ये सारे फेशियाज हो गए एक ओवरव्यू देता हूँ कौन सी स्पेसिस कौन से फेशियाज के बीच में होती है तो जो बक्को फेरिंजियल फेशिया उसके पीछे जो स्पेसिस होती है उसको बोलते हैं रेट्रोफेरिंजियल स्पेसिस ये सब यहाँ पे जो भी स्पेसिस प्रेजेंट होगी वो रेट्रोफेरिंजियल स्पेसिस होगी उसमें से बक्को फेरिंजियल और एलर फेशिया के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है वो होती है रेट्रोफेरिंजियल स्पेस ऑफ जिलेट ओके बक्को फेरिंजियल और एलर के बीच में रेट्रोफेरिंजियल स्पेस ऑफ जिलेट उसके बाद एलर और प्री वर्टिब्रल फेशिया के बीच में होती है वो होती है डेंजर स्पेस लास्ट में प्री वर्टिब्रल फेशिया के पीछे क्या आएगा ऑब्वियसली वर्टिब्रस प्रेजेंट होंगे ठीक है सर्वाइकल या हो सके थोरेसिक वर्टिब्रस प्रेजेंट होंगे प्री वर्टिब्रल फेशिया और वर्टिब्रा के बीच में होती है वो होती है प्री वर्टिब्रल स्पेस ये सारी हो गई स्पेसेस जो फेरिंग्स के पीछे प्रेजेंट होती है ठीक है इन द पोस्टीरियर बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स सबसे पहले रेट्रोफेरिंजियल स्पेस ऑफ जिलेट उसके बाद डेंजर स्पेस और लास्ट में प्री वर्टिब्रल स्पेस ओके ये एक इमेज है ऑफ द स्पेसेस ऑफ द फेरिंग्स इसमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन लिया वो देखते हैं तो इसमें ट्रांसवर्स सेक्शन लिया एट द लेवल ऑफ द टॉन्सिल्स ओके ये टॉन्सिल है हमने लिया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फेरिंग्स एट द लेवल ऑफ टॉन्सिल अब ये हमारी पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स होगी ये हमारी लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स होगी यहाँ ठीक है ये पूरा हमारा ओरल कैविटी होगी ओरोफेरिंग्स या ओरल कैविटी उसके आगे होगी अब जो सबसे आगे एंटीरियर मोस्ट फेशिया था वो कौन सा था ये फेशिया कौन सा होगा फेरिंगो बेसिलर के बाद मसल लेयर थी ठीक है उसमें जो ओरो एट द लेवल ऑफ ओरोफेरिंग्स और टॉन्सिल उस लेवल पे जो फेरिंग्स का मसल प्रेजेंट होता है वो होता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर तो ये जो मसल है ये होगा सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल अब मसल लेयर के पीछे कौन सा फेशिया था बक्को फेरिंजियल बिहाइंड द मसल इसलिए बक्को फेरिंजियल यहाँ से इसका निमोनिक क्या था बाप ठीक है बी ए पी बी से हो गया बक्को फेरिंजियल के पीछे हो गया ये हो गया एलर फेशिया ये जो है वो एलर फेशिया अब एलर फेशिया के बाद ये जो है वो है प्री वर्टिब्रल फेशिया और प्री वर्टिब्रल फेशिया के बाद ये जो है पूरा वर्टिब्रल ठीक है वर्टिब्रल कॉलम अब ये स्पेसेस कौन कौन सी थी जो बक्को फेरिंजियल और एलर फेशिया के बीच में ठीक है ये वाली जो स्पेस है ये थी रेट्रोफेरिंजियल स्पेस एलर और प्री वर्टिब्रल फेशिया के बीच में थी ये थी डेंजर स्पेस और जो प्री वर्टिब्रल फेशिया और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में थी वो थी प्री वर्टिब्रल स्पेस ये तीन स्पेस हो गई सबसे पहले रेट्रोफेरिंजियल उसके बाद डेंजर और लास्ट में प्री वर्टिब्रल स्पेस अब मैं इस इमेज के हेल्प से ही आपको जो स्पेसेस की जो एक्सटेंट है अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर उसके बाद एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल और कंटेंट्स वो सब मैं आपको इमेज में बताता हूँ फिर बाद में हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले इमेज में देखते हैं तो सबसे पहले जो स्पेस थी वो थी रेट्रोफेरिंजियल स्पेस की एंटीरियर बॉर्डर बक्को फेरिंजियल फेशिया और पोस्टीरियर बॉर्डर वो है एलर फेशिया ठीक है एंटीरियर बक्को फेरिंजियल पोस्टीरियर एलर फेशिया अब जो फेरिंग्स होता है उसका ओवर नेजो फेरिंग्स या फिर ओवरऑल फेरिंग्स के लो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेस ऑफ स्कल ठीक है तो जो स्पेसिस ऑफ फेरिंग्स होगी उन सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा बेस ऑफ स्कल तो जो रेट्रोफेरिंजियल स्पेस थी उसकी अपर बॉर्डर क्या होगी बेस ऑफ स्कल और वो एक्सटेंड कहाँ तक करता है एट द लेवल ऑफ T4 वर्टेब्रा विच इज़ द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया कहाँ पे होता है एट द लेवल ऑफ T4 वहाँ तक एक्सटेंड करती है ये रेट्रोफेरिंजियल स्पेस ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर अपर एक्सटेंड और लोअर एक्सटेंड
उसके बाद दूसरी स्पेस थी वो थी डेंजर स्पेस। अब डेंजर स्पेस अपर बॉर्डर ऑब्वियसली बेस ऑफ स्कल, अब लोअर बॉर्डर ये सबसे नीचे जाती है एट द लेवल ऑफ डायफ्राम, ठीक है। डेंजर स्पेस डी डी फॉर डायफ्राम, ठीक है। अपर बॉर्डर बेस ऑफ स्कल और नीचे लोअर एक्सटेंड डायफ्राम। उसकी एंटीरियर बॉर्डर क्या थी, एलर फेशिया और पोस्टीरियर सरफेस सॉरी वो थी प्रीवर्टिब्रल फेशिया। ये हो गई पूरी डेंजर स्पेस। अब डेंजर स्पेस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है, डायफ्राम तक। इसलिए इसकी वजह से अगर यहाँ पे कोई एब्सेस या इन्फेक्शन होगा तो वो कहाँ, प्लूरा में जा सकता है, ठीक है, प्लूराइटिस कर सकता है, मीडियास्टिनम में जा सकता है, पेरिकार्डियम में जा सकता है, पेरिकार्डाइटिस कर सकता है। इसकी वजह से इसको डेंजर स्पेस कहते हैं। जो लास्ट स्पेस थी वो थी प्रीवर्टिब्रल स्पेस। प्रीवर्टिब्रल स्पेस की अपर एक्सटेंड बेस ऑफ स्कल, लोअर एक्सटेंड इसकी भी T4। जो फर्स्ट और थर्ड स्पेस है उन दोनों की एक्सटेंड T4, बीच में जो डेंजर स्पेस है उसकी डायफ्राम। अपर बॉर्डर अपर एक्सटेंड लोअर एक्सटेंड हो गया, उसके बाद एंटीरियरली प्रीवर्टिब्रल फेशिया और पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम। ओके, इसमें आप टेबल बनाते हैं। जो रेट्रोफेरेंशियल स्पेस थी उसकी अपर बॉर्डर बेस ऑफ स्कल, लोअर बॉर्डर एट द लेवल ऑफ T4 वर्टेब्रा। जो एंटीरियर वॉल थी वो कौन बनाता है, बक्को फेरिंजियल फेशिया। जो पोस्टीरियर थी वो एलर फेशिया। ये सारी हो गई रेट्रोफेरेंशियल स्पेस की। इसके बाद डेंजर स्पेस, डेंजर स्पेस तीनों की एक्सटेंड, तीनों की जो अपर एक्सटेंड होती है वो बेस ऑफ स्कल, डेंजर स्पेस की जो लोअर एक्सटेंड होती है वो डायफ्राम। ओके, डी डेंजर स्पेस डायफ्राम। प्रीवर्टिब्रल स्पेस की भी T4। एंटीरियर वॉल कौन बना था इसकी, एलर फेशिया और पोस्टीरियरली प्रीवर्टिब्रल फेशिया। प्रीवर्टिब्रल फेशिया जो प्रीवर्टिब्रल स्पेस थी उसकी एंटीरियर वॉल प्रीवर्टिब्रल फेशिया और जो पोस्टीरियर वॉल वो वर्टिब्रल कॉलम। ये हो गई पूरी विच स्पेसेस विच आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। अगर नोट करना तो पॉज करके नोट कर सकते हो। ये जो रेट्रोफेरिंजियल स्पेस ऑफ जिलेट थी उसमें एक कंटेंट होता है, वो इसका एक कंटेंट होता है, वो कंटेंट कौन सा होता है, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड ऑफ रूवियर। ओके, लिम्फ नोड ऑफ रूवियर ये इसका कंटेंट होता है रेट्रोफेरिंजियल स्पेस ऑफ जिलेट। इसमें अगर लिम्फ नोड में कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो एब्सेस फॉर्म कर सकते हैं इन द रेट्रोफेरिंजियल स्पेस ऑफ जिलेट। क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ, अगर कोई एब्सेस बना इन द डेंजर स्पेस और या फिर रेट्रोफेरेंशियल स्पेस, तो उनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। अगर सपोज कोई एब्सेस बना तो ऑब्वियसली वो बल्ज करेगा, ठीक है, बल्ज, वो बल्ज प्रेशर मतलब लेटरल जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स होती है उसको एंटीरियरली पुश करेगा, ठीक है, बल्ज फॉर्म करेगा। तो हमको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये कौन सी स्पेस में है, या रेट्रोफेरेंशियल में या डेंजर स्पेस में है। MRI से तो कंफर्म डायग्नोस हम कर ही सकते हैं, पर क्लिनिकली हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। जो रेट्रोफेरिंजियल स्पेस है देख सकते हो, इसको डिवाइड किया हुआ है इनटू टू कंपार्टमेंट्स, ठीक है, राइट और लेफ्ट बाय मीडियन फाइब्रस रेफे। ओके, मिडलाइन फाइब्रस रेफे। तो अगर जो रेट्रोफेरिंजियल स्पेस का यहाँ पे एब्सेस होगा तो इट विल प्रोड्यूस यूनिलैटरल बल्ज ऑन द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। जबकि अगर डेंजर स्पेस में या फिर प्रीवर्टिब्रल स्पेस में कोई एब्सेस होगा, इट विल प्रोड्यूस मिडलाइन या फिर डिफ्यूज बल्ज ऑफ द पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल, ठीक है। जो रेट्रोफेरिंजियल में होगा वो एक साइड का बल्ज होगा, या तो राइट साइड बल्ज होगा या फिर या तो लेफ्ट साइड का बल्ज होगा। लेकिन अगर डेंजर स्पेस या प्रीवर्टिब्रल स्पेस में अगर कोई एब्सेस होगा तो उसका जो बल्ज होगा वो डिफ्यूज होगा, ठीक है, दोनों साइड पूरे पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल में प्रेजेंट होगा। तो ये क्लिनिकल मेथड है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब देखेंगे स्पेसेस इन द लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। ये जो स्पेसेस थी वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स में प्रेजेंट थी, बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल। अब देखेंगे लेटरल वॉल। ओके, सेम इमेज देख सकते हो, यहाँ पे जो फेशियास थे, जो फर्स्ट और सेकंड फेशिया थे, जो थे फेरिंगो बेसिलर और बक्को फेरिंजियल फेशिया, वो लेटरली भी एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, पूरे ओरल कैविटी को कवर करते हैं। जो फेरिंगो बेसिलर फेशिया था वो टॉन्सिल की कैप्सूल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जो फेरिंगो बेसिलर फेशिया था वो लेटरली एक्सटेंड हो गए, जो टॉन्सिल है उसकी कैप्सूल फॉर्म कर रहा है। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। अब जो कैप्सूल फेरिंगो बेसिलर के पीछे क्या था, मसल प्रेजेंट था, कौन सा था, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। अब यहाँ पे एट द लेवल ऑफ टॉन्सिल, कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल, जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल था उस उन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रही है छोटी सी, इसको बोलते हैं पेरी टॉन्सिलर स्पेस।
ओके पेरी टॉन्सिलर स्पेस। अब दूसरी स्पेस कौन सी है, अगर हम जो रेट्रोफेरिंजियल स्पेस है उसमें अगर हम उससे अगर हम लेटरली आए, ठीक है, इफ़ वी अप्रोच लेटरली देन वी विल रीच ये जो स्पेस है पूरी, तो ये जो स्पेस है दिस इज नोन एज पैराफेरिंजियल स्पेस। तो दो स्पेस हो गई, एक पेरी टॉन्सिलर स्पेस और दूसरी पैराफेरिंजियल स्पेस। अब सबसे पहले पेरी टॉन्सिलर स्पेस के बारे में देखते हैं। जो पेरी टॉन्सिलर स्पेस थी वो प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ठीक है, उसका कोई अपर लोअर एक्सटेंट तो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ टॉन्सिल के पीछे ही प्रेजेंट होती है, तो अपर या लोअर एक्सटेंट तो है ही नहीं ये, क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट जस्ट लेटरल टू द टॉन्सिल्स। अब इसकी मीडियल वॉल और लेटरल वॉल होगी, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं होगी, मीडियल और लेटरल वॉल होगी। तो मीडियल वॉल कौन सी, कैप्सूल ऑफ द फेरिंग्स विच इज फॉर्म्ड बाय द फेरिंगो बेसिलर फेशिया। अब लेटरल वॉल कौन सी होगी, विच इज फॉर्म्ड बाय द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। ये हो गई पेरिटॉन्सिलर स्पेस। पेरिटॉन्सिलर स्पेस में अगर कोई एब्सेस होता है उसको बोलते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का दूसरा नाम है क्विंजी। ओके, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस और क्विंजी, ये हो गई पूरी पेरिटॉन्सिलर स्पेस के बारे में। उसके बाद देखते हैं पैराफेरिंजियल स्पेस। पैराफेरिंजियल स्पेस की अपर एक्सटेंट होती है, वो होती है अपर ऊपर दो बेस ऑफ स्कल, ठीक है, ओके, जो नीचे होती है वो होती है हायर बोन। ओके, एट द लेवल ऑफ हायर बोन। अपर हो गई बेस ऑफ स्कल, लोअर एट द लेवल ऑफ हायर बोन। जो मीडियल वॉल होगी, इसमें मीडियल वॉल कौन बना रहा होगा, वो होगा बक्कोफेरिंजियल फेशिया। यहाँ डायग्राम में देख सकते हो विच इज़ फॉर्म्ड बाय द जो सेकंड नंबर का फेशिया था विच इज़ बक्कोफेरिंजियल फेशिया, वो बनाता है मीडियल वॉल। जो लेटरल वॉल बनाता है ये यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वो है मैंडिबल। मैंडिबल, उसके दोनों साइड दो मसल, ये मीडियल टेरिगोइड और दूसरा है मीडियल टेरिगोइड और दूसरा लेटर सॉरी मैसेटर। ओके, मीडियल टेरिगोइड और मैसेटर, और जो पीछे है वो है पैरोटिड ग्लैंड। मीडियल वॉल कौन बनाता है, बक्कोफेरिंजियल फेशिया, और लेटरल वॉल बाय द मैंडिबल, मीडियल टेरिगोइड, मैसेटर और पैरोटिड ग्लैंड। अब पैराफेरिंजियल स्पेस की बाउंड्रीज देख ली। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस बीच में, ठीक है, उसके साइड में तीन मसल्स अटैच हुए हैं टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। कौन से हो सकते हैं, स्टाइलोफेरिंजियस, स्टाइलोग्लॉसस और स्टाइलोहायोइड। ये तीन मसल्स अटैच होते हैं टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। अभी जो स्टाइलॉइड प्रोसेस अलॉन्ग विथ इट्स मसल, ये डिवाइड करता है पैराफेरिंजियल स्पेस को इनटू एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये टू कंपार्टमेंट्स हो गए, एंटीरियर और पोस्टीरियर, या फिर कह सकते हैं प्री स्टाइलॉइड या पोस्ट स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट। जो प्री स्टाइलॉइड कंपार्टमेंट है उसमें कोई खास कंटेंट्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, फैट होता है मोस्टली, या फिर कोई स्मॉल ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, ये सब प्रेजेंट होती है। लेकिन नीचे से अगर हमारे नेक से जो वेसल्स जो हमारी हेड में जो अप्रोच करती है हेड और ब्रेन में, वो सब पैराफेरिंजियल स्पेस से ही आती है, आर्टरीज और वेन्स। और जो नर्व्स होती है जो ब्रेन से नीचे की तरफ जाती है नेक में, वो भी यहीं से जाती है बाय द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ पैराफेरिंजियल स्पेस। तो वो सब जाती है यहाँ से, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से। तो कौन सी वेसल्स और नर्व्स होती है, तो जो आर्टरी होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, जो वेन होती है वो इंटरनल जुगुलर वेन, और लास्ट फोर क्रेनियल नर्व्स 9, 10, 11, 12। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और लास्ट फोर क्रेनियल नर्व्स 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व्स पास करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ पैराफेरिंजियल स्पेस। ये हो गई पूरी एनाटॉमी। एक और बात, जो पैराफेरिंजियल स्पेस होती है इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्पेस, स्मॉलेस्ट स्पेस एंड द मोस्ट कॉमन स्पेस टू गेट इन्फेक्टेड। इन्फेक्टेड इसलिए होती है ज़्यादातर क्योंकि इन्फेक्शन फ्रॉम द, यहाँ पे देखो बक्कोफेरिंजियल एब्सेस हुआ तो वो यहाँ से आ सकता है, या फिर कोई टॉन्सिल का इन्फेक्शन यहाँ से आ सकता है, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन आ सकता है, इसलिए इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन इन द स्पेसेस ऑफ द फेरिंग्स। और पैराफेरिंजियल स्पेस का दूसरा नाम है वो है फेरिंगो मैक्सिलरी स्पेस। ये हो गई पूरी ऑफ द स्पेसेस ऑफ फेरिंग्स। और जो स्पेसेस लेटरल वॉल में थी, ठीक है, पैराफेरिंजियल और पेरिटॉन्सिलर स्पेस, अगर उनमें वहाँ पे एब्सेस फॉर्म होगा तो उसकी वजह से एक सिम्टम होगा, वो होगा ट्रिसमस। ट्रिसमस का मतलब होता है लॉक्ड जो, या फिर डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग द माउथ। यहाँ पे अगर कोई एब्सेस फॉर्म होगा तो वो जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, ठीक है, मीडियल टेरिगोइड, वो भी मसल ऑफ मैस्टिकेशन है, और मैसेटर। मसल ऑफ मैस्टिकेशन कौन से चार होते हैं, मीडियल, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल और लेटरल टेरिगोइड, टेम्पोरालिस और मैसेटर। ठीक है, इट विल अफेक्ट द मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, उसकी वजह से जो हमारा जॉ होता है वो ठीक से ओपन नहीं हो सकता, या फिर कह सकते हैं लॉक्ड जॉ, ये होगी एक सिम्टम।
अब टेबल फॉर्म कर देते हैं स्पेसिस इन द लेटरल ग्रूप ऑफ फेरिंग्स का. तो जो पेरिफेरेंजल स्पेस थी उसकी अपर एक्सटेंट क्या थी, बेस ऑफ स्कल, ओके, लोअर एक्सटेंट एट द लेवल ऑफ हायर्ड बोन. जो मीडियल बाउंड्री थी वो क्या फॉर्म कर रही थी, सेकेंड फेशिया ऑफ फेरिंग्स, ठीक है, वो थी बक्को फेरिंजल फेशिया. जो लेटरल बाउंड्री थी वो क्या फॉर्म कर रही थी, वो थी सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, सॉरी उल्टा हो गया, मीडियल लेटरल बाउंड्री. जो मीडियल बाउंड्री थी वो क्या कर रही थी, मीडियल बाउंड्री सही है, बक्को फेरिंजल फेशिया. जो लेटरल बाउंड्री थी वो चार स्ट्रक्चर्स थे टोटल, मीडियल टेरिगोइड, मैंडिबल, मैसेटर और पैरोटिड ग्लैंड. ये सारे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं लेटरल वॉल. मीडियली बक्को फेरिंजल फेशिया, अपर एक्सटेंट बेस ऑफ स्कल और लोअर हायर बोन. उसके बाद इसके कंटेंट्स देख लेते हो. कंटेंट्स कौन सी थी, एक आर्टरी थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वेन थी वो इंटरनल जुगुलर वेन. क्रेनियल नर्व्स कौन सी थी, चार थी, 9, 10, 11 और 12 क्रेनियल नर्व्स. और दूसरा कंटेंट रह गया वो था सर्वाइकल सिंपथेटिक चेन. ये चार कंटेंट्स हो गए, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व और सर्वाइकल सिंपथेटिक चेन. उसकी वजह से अगर पैराफेरेंजियल एक्सेस हुआ तो वो किसको अफेक्ट करेगा, सर्वाइकल सिंपथेटिक चेन, और उसकी वजह से क्या होगा, हॉर्नर्स सिंड्रोम. ये हो गई पूरी पैराफेरेंजियल स्पेस. इसका दूसरा नाम क्या था, वो था फेरिंगो मैक्सिलरी स्पेस. पैराफेरेंजियल स्पेस स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड स्पेस ऑफ फेरिंग्स. अब उसके बाद पेरिटॉन्सिलर स्पेस, अपर और लोअर एक्सटेंट है ही नहीं क्योंकि इट इज़ जस्ट लेटरल टू द टॉन्सिल. द मीडियल वॉल थी, इट विल बी फॉर्म्ड बाय द कैप्सूल ऑफ टॉन्सिल कौन होता है, फेरिंगो बेसिलर फेशिया. और जो लेटरल वॉल थी वो कौन बनाता है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल. पेरिटॉन्सिलर स्पेस थी वो मीडियली प्रेजेंट होती है, और पैराफेरिंजियल स्पेस वो लेटरली, ज़्यादा लेटरली. इसका कंटेंट है मोस्टली फैटी प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेजर को कंटेंट था. ये हो गए पूरी स्पेसेस ऑफ द फेरिंग्स. एक फाइनल पॉइंट, अगर सपोज पेरिटॉन्सिलर एब्सेस हुआ या फिर एब्सेस इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द पैराफेरेंजियल स्पेस, यहाँ पे एब्सेस हुआ, तो दोनों केसेस में ये जो लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स है वो मीडियली पुश होगी, अल्टीमेटली कौन पुश होगा, बाद में टॉन्सिल, ठीक है. हमको क्या दिखेगा कि टॉन्सिल मीडियली पुश हुआ है इन दोनों केसेस में, पेरिटॉन्सिलर और पैराफेरेंजियल स्पेस के एब्सेस में. अब इन दोनों को क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो पेरिटॉन्सिलर स्पेस की जो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस है वो होगा तो सिर्फ टॉन्सिल मीडियली पुश होगा. ये जो मैंडिबल या फिर जॉ होता है उसमें हमको बल्ज नहीं दिखेगा, जबकि जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ पैराफेरेंजियल स्पेस है वहाँ पे अगर एब्सेस हुआ तो टॉन्सिल भी मीडियली पुश होगा और हमें बल्ज एट द जॉ एक्सटर्नली, ठीक है, एक्सटर्नल बल्ज एट द जॉ भी देखने को मिलेगा. ये पॉइंट है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द पेरिटॉन्सिलर एब्सेस एंड पैराफेरेंजियल एब्सेस. ये हो गए पूरी कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ स्पेसेस ऑफ फेरिंग्स.